अपना काम बच्चों से कराना कंपोजिट विद्यालय मुंकुचवा नवे तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रविंद्र को महंगा पड़ गया। गैस सिलेंडर लाने के लिए उन्होंने बच्चों को जिम्मेदारी सौंप दी। मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस दौरान उन्हें आधा वेतन मिलेगा। निलंबन की अवधि में महंगाई भत्ता नहीं दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मामला इस प्रकार बताया जाता है कि कंपोजिट विद्यालय मुंकुचवा का गैस सिलेंडर लाने के लिए प्रधानाध्यापक ने विद्यालय के चपरासी को भेजा था। वह अपने साथ विद्यालय के चार बच्चों को दो साइकिल के साथ ले गया। उसने गैस सिलेंडर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए बच्चों को कहा। इसी प्रकार साइकिल पर सिलेंडर लादकर बच्चे विद्यालय पहुंचे। इसी दौरान रास्ते में बच्चों के द्वारा सिलेंडर ढोने का वीडियो किसी ने बना लिया, उसे वायरल कर दिया गया। वायरल वीडियो संज्ञान में आने के साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पहाड़ी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में मामला सही पाए जाने पर विद्यालय के आरोपी चपरासी को निलंबित कर दिया गया। उसे इस दौरान उसे लालगंज कार्यालय से अटैच किया गया है। इस अवधि के दौरान आरोपी को आधा वेतन मिलेगा तो महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, काम करने नहीं, लिहाजा उनके पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। बच्चों से काम कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल एक वीडियो वायरल का संज्ञान में आया। यह वीडियो हम लोग जो इसके बारे में जानकारी किए थे, वीडियो कंपोजिट विद्यालय मुंकुचवा का था और उसमें प्रधानाध्यापक से वार्ता की गई। प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया कि फोर्थ क्लास रविंद्र दुबे को भेजा गया था गैस लेने के लिए। उन्होंने दो बच्चों को ले गए और बच्चों से सिलेंडर उस पर साइकिल पर लदवा रहे थे। तत्काल आख्या ली गई ABSA से और उसके अंतर्गत जो फोर्थ क्लास है रविंद्र दुबे उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। क्या इसमें सर और भी लोग दोषी हैं, क्योंकि वो बच्चे क्या वो अगर वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो इसमें तो टीचर को भी जानना होगा कि कैसे बच्चे बाहर निकल गए। हाँ, उसमें ABSA को जांच दी गई है, वो भी जांच करके रिपोर्ट दें कि बच्चे बाहर कैसे गए। अगर किसी की संलिप्तता आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, अभी बोरा वाला, फिर ये वीडियो बच्चों से काम कराने का, तो ऐसे में क्या कोई निर्देश जारी कर? हाँ, ये सारे अध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने का पढ़ने का काम है तो अध्यापक उनको जो भी उनका टाइम टेबल है उसके अंतर्गत बच्चों को पढ़ाने का ही कार्य करें। बच्चों से कोई भी अगर कार्य दिया जाएगा तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।